औजार हैं, मैं खुद ये बनाता हूँ, मैंने किसी से सीखा नहीं है। कि आप जो बचपन में आपकी क्या ख्वाहिश थी, मेरे को क्या करना है, क्या बनना है, ऐसा कोई था? पेटी आती हैं, जो पेटियां हैं हमारे ये पीछे पड़ी हैं, उनका हमने फ्लावर पॉट बना दिए। इसकी प्रेरणा कहाँ से आ जाएगी, कैसे क्या ये डिजाइन बनाने लगे? नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। आज में गुजर महोत्सव चल रहा है हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड पर, वहाँ पर हूँ और यहाँ पर देश भर के विभिन्न क्षेत्र से लोग यहाँ आए हैं, गुजर समाज के लोग आए हैं, उनकी कला संस्कृति से रूबरू कराने के प्रयास हैं। इसी सिलसिले में मैं अलग अलग स्टॉल पर जाकर प्रयास कर रहे हैं कि उस स्टॉल की खासियत जाने, वहाँ पर जो कला संस्कृति हैं उससे भी आपको रूबरू कराएँ और वहाँ जो ऐसे कलाकार हैं उनसे भी मिलवाएँ। इसी सिलसिले में हमारे साथ में एक शख्सियत हैं, मैं ये शख्सियत कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इन्होंने किस तरह से हाई स्कूल पास करने के बाद अच्छे अच्छे इंजीनियरों को पीछे छोड़ दिया है। अपने अनुभव और अपने हाथ के हुनर के चलते उन्होंने किस तरह की अनोखी कलाकृतियां बनाई हैं जिसे देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। आइए पहले तो उनसे मिलते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं और उसके बाद इन संस्कृति कला से भी आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। आपका छोटा सा परिचय बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, नाम क्या? मेरा नाम विजेंद्र सिंह आर्य है, ग्रेटर नोएडा से हूँ और आर्यदीप पब्लिक स्कूल का मैं प्रबंधक हूँ। 3 स्कूल आपके ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में चलते हैं और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक डिजाइनर हूँ और मेरी सोच ये रहती है कि कोई मेरी नकल करे, मैं नकल किसी की नहीं करूं। तो मेरे जो मन में आता है कि किसी ने जो आज तक ना बनाई हो, मैं ऐसी चीज़ बनाता हूं। आप उधर कैमरा करिएगा, आप देखिएगा जो गोल खाट है, गोल खाट जो आपने ना देखी और ना सुनी, वो गोल खाट मैंने बनाई है। उसके आगे है त्रिभुज खाट, जो त्रिभुज खाट आज तक किसी ने ना बनाई और ना देखी। और फिर ये चौकोर खाट, इसी साल मैं इसको इस गुजर महोत्सव मेले में लेकर के आया हूँ। और ये दो मंजिल खाट है, ये दो मंजिल खाट बनाई है और इस गुजर महोत्सव में ये नया चमत्कार है, ये नई कला है और नए डिजाइन है और कुछ ना कुछ जो, क्योंकि वेस्ट मटेरियल होता है, मैं उससे ये सामान, सजावटी सामान जो आप अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं उनको मैं बनाता हूँ। आप आगे देखिए, ये टायर है, वेस्टेज टायर, ये जो फ्रेम है, जो सीट, जो कुर्सी टूट जाती है उसी को यहाँ पर यूज लिया है, फिर टायर से सेंटर टेबल बनाई है। आगे आइए, ये मोटरसाइकिल की टंकी है, टंकी से इसको मोर की रचना हमने दी है, इसको मोर हम बना रहे हैं। ये बच्चों का झूला है और ये टायर से और इसमें लकड़ी का सहयोग लिया है, इसको बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये भी जो प्लाई बेकार चली जाती है उससे काट कर हम बनाते हैं और ये जो टेल है ये भी कबाड़े से उठा करके और ये बनाई है, तो ये बहुत अच्छा है। और दूसरा ये चरखा है, आप देख रहे हैं, विशाल चरखा, मैंने अपने हाथ से इसको बनाया है। जो भी यहाँ आइटम, जितने जो भी देख रहे हैं, वो सभी आपने वो अपने हाथ से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास सारे मशीन हैं, सारे औजार हैं, मैं खुद ये बनाता हूँ, मैंने किसी से सीखा नहीं है, खुद ईश्वर के यहाँ से मेरे को ऐसी आज्ञा मिलती है, मेरे मन में आता है और मैं ऐसे ही स्वयंपन देखता हूँ। पहले मेरे को थोड़ा सा ये बताएं कि आप जब बचपन में, आपकी क्या ख्वाहिश थी, मेरे को क्या करना है, क्या बनना है, ऐसा कोई था क्या, मेरे को बिजनेस करना है, नौकरी करनी है? मेरी जो इच्छा ये थी कि यदि मेरे पास पैसा हो, कोई पैसे देने वाला हो, तो मैं बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बना सकता हूँ। ये मेरे मन में आती है, मेरे जहन में आती है, मेरे दिल में आती है, ऐसी ऐसी बातें। तो ऐसी फादर क्या करते थे? मेरे पिताजी हॉर्टिकल्चर में दिल्ली सर्विस करते थे और वो भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, जैसे हल बना दिया या गाड़ी बना दी या बुग्गी बना दी, वो भी लोहे की बनाते थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे। बस उनको देखा था मैंने बस, तो लेकिन रुचि उसी से जग गई, मतलब उसी से रुचि मेरी जगी है। अब ये जैसे घटी है पुरानी काफ़ी, जो ये पुरानी काफ़ी है लेकिन इसको जो है ना अभी अधूरी है, लेकिन ये टायर को हम पेंट करके इसको
अच्छा लुक देंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरा आप देख रहे हैं मिट्टी के बने हुए हैं जो चूल्हे हैं, चूल्हे की रोटी खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। चूल्हे हर एक प्रकार की अंगीठी है, डिजाइन में बताता हूँ उसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये हर एक की अलग अलग डिजाइन में आपने इतने कितने तरह के चूल्हे बना रखे हैं, लगभग 1, 2, 3, 4, 5 हाँ, जो ये तो 20-25 तरह के अलग अलग डिजाइन, ये इससे भी ज्यादा बन सकते हैं, हजारों तरह के बन सकते हैं चूल्हे और अंगीठी राहे सब हजारों तरह के आप बन सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये पानी की बोतल है, इसको फ्लावर पॉट हमने बनाया है, ऊपर से काट के नीचे फिट कर दिया, इसका स्टैंड बन गया है, ठीक है। और ये दूध के डिब्बे हैं, ये वॉशिंग मशीन के ड्रम हैं, इनको सजा सजा करके बनाया गया है। अच्छा, वही मतलब जो वेस्ट को बेस्ट बनाया है। हाँ, वेस्ट को बेस्ट बनाया है, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल। और ये आप देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं आप, वो एठना बोलते हैं उसको, जो रस्सी में बल लगाया जाता है, वो तंबाकू कूटने का, वो सब मैंने ही अपने हाथ से बनाया है। हाँ, इधर आइए। ये मटकी डिजाइन के तौर पर जैसे आपने कितने ये अभी ये खराब हो गया है, इसको ये किसी ने बल्ला इसको फेंक दिया कबाड़े में, हमने इसको सजा करके बहुत बढ़िया बनाया है इसको। और ये देखिएगा आगे, ये तरह तरह की गाड़ी बनाई है छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए। और आगे आइएगा, ये तो आपने जो स्टैचू बने हैं ये तो स्टैचू तो बने हुए हैं, लेकिन ये जो घाघरा है ये डिजाइन मैं ही करता हूँ, इनको ये बनाते हैं, इनको हमारी जो घर से बहू है वो बनाती है, मैं डिजाइन मैं ही करता हूँ उनको, ठीक है। अच्छा, हाँ, कला मतलब कुल मिला के कला जो संस्कृति है। आप ये देखिएगा, ये जो आप छोटे जो मोटे बच्चों के देख रहे हैं ये कबाड़े में फेंक दिए थे, लेकिन कबाड़े से उठा करके इनको बिल्कुल रिसाइकिल करके बहुत अच्छा से बना दिया, पीढ़ा बना है उसकी बुनाई देखिएगा। ये केवल प्रदर्शनी के तौर पर या ये, आप इसको ये मैंने अभी तक बेचा नहीं है, सारा सामान ऐसे ही पैक है, ये मेरा शौक है, मैं बनाता हूँ, लेकिन कोई लेगा तो मैं दे भी सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। शीशे का ये फ्रेम है, ये देखिएगा, ये देखिए लैट्रिन की सीट का जो ढक्कन होता है उसको रिसाइकिल करके, अभी ये जो नग लगे हुए थे इसमें वो हट गए हैं, इसको शीशे का फ्रेम बना दिया, वो भी लैट्रिन की सीट का ढक्कन आप देख रहे हैं। और ये पेंट की जो बाल्टी है वो फेंक देते हैं हम, उनको फेंका नहीं है, लेकिन इनको डिजाइन करके आप शोरूम में अपने ड्राइंग रूम में इनको लगा सकते हैं, बनाया गया है। दूसरा, मैं शराब पीता नहीं, गुटखा मैं खाता नहीं, लेकिन जो खाली बोतल है उनको लेकर के कैसी सजावट बोतलों की आप देखिएगा। ये मुख्य रूप से आपने जैसे बियर की बोतलों का अलग अलग लुक दिया, इसमें क्या यूज किया आपने? ये बोतल है इसमें ये फ्लावर ऐसे लग जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसी में ये भी बोतल है बड़ी, इसका ये बोतल ये ऊपर का रह रहा है, अभी बनने का काम चालू है इस पर, तो ये बोतल पूरा बोतल बड़ी बोतल में ये बोतल फिट है, और ये फ्लावर पॉट है, इसी तरीके से ये है, ये देखिए, मतलब अभी ये बना नहीं है पूरा, ये बना नहीं है, अधूरा काम चल रहा है इस पर, ठीक है। इसमें ये भी ऐसी ये टंकी है पानी की, तो उसको हाफ काट के इसमें फिट किया है, ठीक है। ये जो भी है आपने टोटल वेस्ट को बेस्ट बनाने का प्रयास किया, बिल्कुल सारा वेस्ट सामान से मिलेगा यहाँ, बिल्कुल, ठीक है, वो ज्यादा है। अब ये बोतल देखिएगा आप, तरह तरह की बोतल है, ये बोतल को कपड़े की तरह सिल दिया है, इसको देखिएगा आप, ये छेद किससे की है? ये एक मशीन होती है उससे छेद करता हूँ मैं। कांच की है ना? हाँ, कांच की है बोतल। अच्छा, कांच की बोतल है, ये देखिएगा, ये बोतल सी हुई है, वो बोतल देखिएगा सारी, उसमें उस बोतल के अंदर चैन लगा हुआ, फीता लगा हुआ है, वो जो वेस्ट फेंक देते हैं उसका ये इन्होंने किस तरह से एक अलौकिक रूप, जिनको फेंक देते हैं हम, तो उनसे ये मैंने बनाया सब, ठीक है जी। ये देखिएगा, ये वुड कार्विंग का काम है इसमें, ये सारा ये दिल का इसमें वो दिया है हमने डिजाइन, मतलब ये हर एक तरह की जैसे जितनी भी तरह की बोतलें होती हैं, हाँ, शराब की बोतलें, हाँ, आप नीचे देख सकते हैं किस तरह की, इसके जैसे चैन लगाई आप देखो, हर एक ये शराब की बोतलें हैं उसको अलग अलग ढंग से इन्होंने डेकोरेट किया है, और बड़ी ही खूबसूरत ये बोतलें लग रही हैं वाकई, ठीक है। ये जो सजावट है आप देख सकते हैं, हर एक बोतल की एक अलग कहानी है, ये देखिए आप इस तरफ, ये बोतल और अलग ढंग से
ये डेकोरेशन जो किया है वाकई बड़ा ही खूबसूरत है। इधर आइए, आपने देखा इसी तरह। अब आगे आते हैं अपन, जैसे लकड़ियों की किस तरह से आपने खूबसूरत तरीके से डिजाइन आपने तैयार की, ये कौन सी लकड़ी है, किस तरह से आपने इनको? ये शीशम की भी लकड़ी है, बाकी और उसकी चीड़ की है और अनेक तरह की लकड़ी है, उन पे ये होती है शीशम की। जितने भी आपने फ्रेम बनाई इसमें भी यही एक वेस्ट लकड़ी? हाँ, वेस्ट है, जो स्कूल में काम चलता है, प्लाई बच जाती है, टेढ़ी मेढ़ी प्लाई थी तो उसको नया डिजाइन दे के वो बना दे, जैसा बनता जितनी वो फ्रेम है उसी साइज में। हाँ, ये देखिए सब पेड़ बनाए हैं, ये सबके हैं और फेस वगैरह है और किसी पे काम भी चल रहा है। अब ये जो हमने फ्लावर पॉट बनाए हैं, जो पेटी आती हैं, जो पेटियाँ हैं हमारे ये पीछे पड़ी हैं, उनका हमने ये फ्लावर पॉट बना दिए हैं। ये आगे देखिएगा, देखो कितने अच्छे अच्छे टेबल टॉप हैं, सेंटर टेबल के टॉप हैं ये, ठीक है जी। और ये भी सब वेस्टेज ही लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। इसमें जैसे ये चिपकाने के लिए क्या क्या यूज़? ये फेविकॉल से ये चिपकाया जाता है। दूसरा ये देखिए, ये रस्सियाँ हैं, आपके राजस्थान में ज़्यादा चलती है, कुएं से जो पानी लेके आते हैं, इडोनी बोलते हैं इसको, यहाँ पर इंडली बोलते हैं। ये जो अनेक प्रकार की हमने बनाई हुई है, देख रहे हैं आप डिजाइन, तरह तरह के डिजाइन है। और ये सबसे बड़ी हमने ईंटी बनाई है, ये नीचे आसन है, ये भी बनाए हैं सब, ठीक है। और ये भी इसमें, ये देश में अलग अलग तरह की जो आप देख सकते हैं, जो बैठने के लिए आसन होता है वो है ऊपर की तरफ, ये छोटी छोटी इडानियाँ जिस पर राजस्थान में इडोनी बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में यहाँ इडी बोलते हैं, और ये पानी जो लाते हैं उसके लिए ये रखा जाता है सिर पर। और इसको ये किस तरह की अनोखी कलाकृतियाँ हैं, वाकई बड़ी ही खूबसूरत। आगे देखिए, गमले बना रखे हैं आपने, इसमें क्या यूज़ किया है? इसमें वो ये जो पेटी आप पीछे देख रहे हैं ना, वो पेटी से ही बना देते हैं, पेटी को फेंकते नहीं है फिर, ठीक है। अच्छा, ये मतलब कागज के जो गत्ते होते हैं? हाँ, उसे ये बनाया गया है, ठीक है। ये पंखे हैं, हाथ के पंखे हैं सारे, ये अनेक डिजाइन के हैं, तरह तरह के डिजाइन के हैं, देखिएगा आप कितने अच्छे अच्छे बनाए हैं, ठीक है। दूसरा ये झांझी माता होती है, उसका ये बनाया हमने, ये देखिएगा सब अलग अलग तरह के बनाए हैं। ये भी जैसे आपने पूरी फ्रेम बनाई है सांझी माता की? हाँ, लकड़ी का है, सब काट काट के बनाया है लकड़ी का, ठीक है। अच्छा, पहले आपने चित्रकारी कर दी, फिर उसमें खूबसूरत तरीके से आपने ये डिजाइन किया। अब उसके आगे आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान के गोवर्धन पर्वत हाथ में लिए हुए हैं। ये गोवर्धन है, ये सांझी माता, झांझी माता भी बोलते हैं ये है। और इधर ये देखिएगा सारा। अब ये निश्चित तौर पर आपने जो ये कलाकृतियाँ बनाई हैं काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन ये जैसे आपके इसकी प्रेरणा कहाँ से जगी, कैसे क्या ये डिजाइन ने बनाने लग गया? ये दिल के अंदर से ही आती है, बस ईश्वर से ही कोई ऐसी ऊपर से ऐसी आवाज़ आती है, एक मेरे मन में ये ख्याल आते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं, नया कुछ मैं करूं, जो अलग हटके। ये जो मेहनत है आपकी कितने सालों की है लगभग? ये तो मैं बचपन से ही कर रहा हूं इस काम को। अच्छा। और अभी तक मैंने बेका कुछ नहीं है इसमें, सब स्टॉक है पूरा, जितना मतलब सब कलेक्शन ही किया है? कलेक्शन ही किया, और बाकी कोई लेना भी चाहे तो मैं दे भी सकता हूँ, क्योंकि बनाते बनाते बहुत दिन हो गए। अब ये है, जैसे इस पर तार आता है, तार की ये रील है, उसको इसको ये हमने बनाया है, फ्लावर पॉट इनको बना दिया हमने। अच्छा अच्छा। ये आपका पानी जो वाटर है वो उसका है, ये जो फिल्टर होता है, और बाकी ये अपना है सारा वो फ्रेम, ये जो बनाए हैं ये सब ये वुड कार्विंग है, लकड़ी पर खोद खोद करके बनाया गया है, और बहुत अच्छी अच्छी है, काफ़ी 30 साल पहले मैंने ये बना दी थी, ये सब अच्छी बनाई हुई है, बहुत अच्छी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें ये जितनी भी आपने कलाकृतियाँ बनाई हैं, जैसे ये टायर हैं, टायर को आपने अलग अलग रंग दिया है वो। जी, ये मोर का ये तो मोर की कटिंग मैंने करी है, बाकी ये तो वैसे बन के आया प्रेस। अच्छा अच्छा, ये लकड़ी के ऊपर फिर आपने उसको दिया, तो ये मुख्य रूप से आपने देखा किस तरह की आपकी एक जुनून है, आपके मन में एक जज्बा था कि कुछ अलग करें, कुछ हटकर करें, और उसी जुनून की ये प्रदर्शनी हम आप तक रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। कि इसके बारे में थोड़ा सा और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो अलग अलग चीज़ें हैं, जो वेस्ट थी उसको आपने बेस्ट बनाने का प्रयास किया, इसमें और किसने आपको हेल्प की कहाँ यार? वास्तव में मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, आप मेरे को सुनो, आप मेरे से ये क्या कि ये होना,
तो मैं मना नहीं करता हूँ, और ईश्वर की दया ऐसी होती है वो बन जाता है। तो चित्रकारी आपके शुरू से ही मतलब आपका शौक रहा? जी जी। उसी को फिर आपने जैसे चाहे लकड़ी पे उगाने की बात हो या उसमें कहीं भी किसी भी तरह से जैसे भी बनाना हो वैसे मैं बना सकता हूँ। तो इसमें आपने कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे प्रदर्शित किया, कहाँ किया आपने? मैंने यहाँ दूसरी बार हूँ, बाकी ग्रेटर नोएडा में किए, मैं बाहर नहीं गया कहीं, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा होती है, स्कूल चलते हैं अपने तीन। अच्छा। तो इसलिए हाँ मैं जाता नहीं। लेकिन आपकी इतनी खूबसूरत पेंटिंग है, ये चीज़ें हैं, तो अगर आप इसको देश पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाएं तो काफ़ी कला संस्कृति। कहीं से निमंत्रण आता है तो मैं चला जाऊँगा, जो भी कोई बनाना चाहेगा तो मैं वहाँ लेके जा सकता हूँ इस प्रदर्शनी पे। आज की जो भावी युवा पीढ़ी है जो मोबाइल में व्यस्त रहती हैं, आपने इस तरह का जो एक कलेक्शन किया है उस पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको जैसे हम व्हाट्सएप कर रहे हैं या फेसबुक पे डाल रहे हैं तो बहुत से लोग ये कहते हैं भाई हमको सीखना है, तो आप आइएगा या आप मेरे को अपने घर बुला लीजिएगा, मैं एक दो दिन में ही सारा कुछ आपको बता दूँगा, फिर भी आपके पास जा सकता हूँ। आपके 10-20 बच्चे हों, लड़के हों, कोई भी सीखना चाहता हो तो मैं सिखा सकता हूँ कोई भी चीज़ A to Z, और आप ये बोलें कि ये बनना है तो मैं मना नहीं करता और वो बन जाएगी, बस ये प्रेरणा ईश्वर से। बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से आपने देखा कि किस तरह की ये एक अलौकिक प्रदर्शनी है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे भी प्रयास था कि गुर्जर महोत्सव में कला संस्कृति के साथ में जिस तरह की प्रदर्शनी लगाई है, हर एक विषय को लेकर हर एक कलाकृति कुछ न कुछ सीख देती हैं। हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बुक करके ज़रूर बताइएगा। आप जुड़ी रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।